जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 35 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 35 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो कोई बच्चे यहाँ पर बताएंगे डी ऑप्शन और कोई बताएंगे सी ऑप्शन। तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा क्या होगा, उद्देशी का, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंडीशन ये मिले कि भारतीय संविधान के किस पार्ट को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है, तब आपको आंसर करना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आंसर यहाँ पे क्या होगा, उद्देशी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साथियों, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो याद रखिएगा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के एग्जाम में दे सकता है, तो आपको आंसर करना है निश्चेतक के रूप में। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पूछे तो CH Cl3, ये क्लोरोफॉर्म का क्या है, रासायनिक सूत्र है। सीडेराइट किसका अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए और साथ ही इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको पूरा डिस्कशन के साथ में पढ़ना है तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं, जो कि फुल लाइव में ये क्लास दिया जाता है रात 8 बजे की क्लास में। इसमें आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई भी आपको लाइव में ही मिलेगा। तो टाइमिंग ध्यान रखना है रात 8 बजे, और एक क्लास है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे की क्लास में स्पेशल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन स्पेशल साइंस से ही पूछा जाता है। तो 10 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, और इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। सीडेराइड जो है ये आयरन का अयस्क है। सीडेराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe CO3, ये सीडेराइड का फॉर्मूला है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, तो याद रखिएगा जागो ग्राहक जागो। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पूछे तो 24 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 15 मार्च। ठीक है, 24 सितंबर और 15 मार्च। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। और मीराबाई किस काल की कवित्री है, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में 4 से 5 बार अभी तक पूछा जा चुका है CSBC के द्वारा। तो याद रखिएगा मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री है। किस काल की, भक्ति काल की। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए, अशोक वाजपेयी का
जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म होता है कहाँ पर, तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभिन्यु किनकी रचना है? और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है। अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं तो आज आप 35 में बिल्कुल 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आराम से। तो अभिन्यु किनकी रचना है? तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी की रचना है अभिन्यु। और अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी हमने बताया आपको, छत्तीसगढ़ में। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। तो देखिए साथियों, शोक की बात करें, करुण रस का अस्थाई भाव है। किस रस का? तो ये करुण रस का अस्थाई भाव है। प्रकाश तरंगे होती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए, प्रकाश तरंगे होती है। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और इसके साथ में याद रखिएगा, प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग का भी उदाहरण है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? थोड़ा सा ध्यान से सभी ऑप्शन को देखिएगा। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है, प्रतिबिंब के समान साइज का होता है, बिल्कुल सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। तो ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, इसमें वास्तविक होता है, बिल्कुल गलत है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं हो सकता है, ये काल्पनिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? चलिए, 11 के लिए आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें। तो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, इनडायरेक्ट टैक्स का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जैसे कि सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, GST हो गया, ये सभी अप्रत्यक्ष कर में आता है। बाकी निगम कर, संपत्ति कर, आय कर, ब्याज कर, उपहार कर, ये सभी किस में आएगा? तो प्रत्यक्ष कर में आता है। माउंटबेटन योजना क्या है? तो साथियों, माउंटबेटन योजना क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों ने वानर सेना व लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चलिए, 14 के लिए आंसर बताइए। जिन लोगों ने ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको प्रयास करना है 35 में 30 प्लस क्वेश्चन सही करने का। तो ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष पूछे तो ये हो जाएगा सुंदरी वृक्ष। कौन सा हो जाएगा? सुंदरी वृक्ष, ध्यान रखिएगा। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? तो साथियों, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। अच्छा, मिट्टी की पूछे कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन होता है। और इस रेगुर मिट्टी का नाम काला मिट्टी भी है, इसे काली मिट्टी भी बोला जाता है। और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है।
हॉकी की गेंद का जो रंग होता है कैसा होता है? आंसर लगाइए, हॉकी के गेंद का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद होता है, ठीक है। और हॉकी गेंद का वजन भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 155 से लेकर 163 ग्राम तक होता है हॉकी की गेंद का वजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध है किससे? फिल्म से। किससे है? फिल्म से, ठीक है। एक पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किससे संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए 18 के लिए आंसर लगाइए, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल, ठीक है। कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य है? यक्षगान, यक्षगान ये कर्नाटक का है। केरल का है मोहनी अट्टम और कथकली शास्त्रीय नृत्य, ओडिशा का ओडिसी है। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी? तो भावचित्रात्मक, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी? भावचित्रात्मक। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का आपको बताना है महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा स्यादवाद, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्यादवाद। स्यादवाद को हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं, इसको लिख देते हैं अनेकांतवाद। तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में स्यादवाद ना देकर अनेकांतवाद दे दे, तो दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है जो कि महावीर स्वामी था, इसे भी ध्यान रखिएगा। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म का सिर्फ संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव होगा। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 सिद्धांत समाविष्ट थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो साथियों पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास राष्ट्रकूट वंश ने किया था, किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने, इसे ध्यान रखिएगा। और भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर पूछे तो यही कैलाश मंदिर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। और राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो मान्यखेत, मान्यखेत, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 24 के लिए, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को घोड़े की अक्षांश भी कहते हैं। समुद्र की गर्म धाराएं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समुद्र की जो गर्म धाराएं हैं ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब?
10 दिसंबर को, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 20 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाते हैं, 10 नवंबर के दिन मलाला दिवस मनाते हैं, और अगर आपसे पूछे 1 दिसंबर को तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। पोंगल क्या है, चलिए राइट आंसर है फसलों का त्यौहार है पोंगल, जिसे तमिलनाडु में मनाया जाता है। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, तो देखिए साथियों सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें जो है ये ध्रुवों पर पड़ती है, कहाँ पर, ध्रुवों पर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर, दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जाड़े के मौसम में, ध्यान रखिएगा उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े के मौसम में होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे तो संप्रभुता का जो शब्द शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, क्या होता है, सर्वोच्च सत्ता, ये हिंदी नाम है, लेकिन इंग्लिश में देखिए सभी दिया हुआ है, तो सर्वोच्च सत्ता को बोला जाता है सुपर एनस, ठीक है, सुपर एनस बराबर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च सत्ता, ध्यान रखिएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अवघट्य होता है, तो देखिए साथियों एक सामान्य शुष्क सेल में किसका विद्युत अवघट्य होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायु क्या है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, तो वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछे तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, ठीक है, और कौन सा कथन असत्य है, तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है ये गलत है, विरंजक चूर्ण का रंग हल्का पीला नहीं सफ़ेद होता है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो साथियों शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रक्टोज, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा शहद का प्रमुख घटक। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना ये क्या दर्शाता है, तो देखिए साथियों वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता क्या है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, इस बात को आप सभी जानते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और आज के सेशन को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर दीजिए।